मैथ्स फिजिक्स और मोटिवेशन पे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऑप्शन अगर मिलता है तो उसमें ऑल करके ओके करिए। वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और इससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि जो मैं डिस्कस करूँगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जैसा मैं हमेशा देता आया हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद अपने सारे फ्रेंड्स को आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनको शेयर करें, फेसबुक पे भी वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पे PDF फाइल चली जाती है तो वहाँ ज़रूर भेजें, जिन अपने अधिक से अधिक दोस्तों का मदद करें, सबकी मदद होगी, सारे के नंबर अच्छे आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखिए, पहली बात, पहले जो क्वेश्चन लिख रखा है ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन अपना बोला हुआ है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट्स इट्स SI यूनिट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रह रहे के हमेशा पूछा जाता है, किसी क्वेश्चन के साथ आता है वरना ये एक नंबर में आएगा, तो आप बड़े आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसकी SI यूनिट क्या है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, तो 2 में देखिए फैराडे लॉ जो है उसके बारे में पूछा गया है, और इसमें ये बोला गया है कि स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद एक फिगर दी गई है, फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप। ये रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है, इसमें जो SR वाली आर्म है इसको मूव कर सकते हैं, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और पी और क्यू तक की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो एल है। अभी बातें इसके अंदर लिखी हैं, आप पढ़िएगा, और जो चीज़ें फाइंड करनी है, डिड्यूस करना है एक्सप्रेशन अपने को, वो EMF अक्रॉस द आर्म RS, RS के अक्रॉस कितना EMF बनेगा, यानी ये जो RS है ना, ये इसके अक्रॉस कितना EMF बनेगा, ये निकालना है, और हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स निकालना पड़ेगा इसको V से मूव करने के लिए, और पावर डिसिपेटेड एज ए हीट कितनी होगी, ये फाइंडिंग करनी है आपको, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, स्टेट लेंज लॉ, गिव वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस लॉ। जो लेंज लॉ क्या होता है ये आप देख लीजिए, NCERT से तैयार कर लीजिए, तो ये लेंज लॉ तैयार कर लीजिए, और इसका जो एग्जांपल है वो भी अच्छे से करिए। द लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ये आपको जस्टिफिकेशन देना है, रीजन क्लियर करना है, तो ये भी आप दे देंगे, NCERT की सारी बातें हैं। उसके बाद बात आती है व्हाट इज मोशनल EMF, जब हम चीज़ें मूव करते हैं ना चार्जेस को, तो उसकी वजह से जो EMF बनता है उसकी बात ये पूछ रहा है कि मोशनल EMF बताइए, और साथ में एक डेरिवेशन छोटा सा है, रॉड ऑफ लेंथ L इज मूव हॉरिजॉन्टली विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ थ्रू ए रीजन इन विच ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। देखिए ये नॉर्मली कभी कभी इस तरीके का आता है, कई तरह से पूछे जाते हैं, जैसे रॉड है ना ये, अब रॉड को आप ये चक्कर लगवा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से रॉड को आप मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर डाउनवर्ड है तो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड आपका लग रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और इस दिशा में आपका मोशन हो रहा है, ये भी एक केस बन सकता है। और आपको डिड्यूस करना है एक्सप्रेशन, है ना, कि EMF कितना इस रॉड के अगेंस्ट में, रॉड के दोनों किनारों पर EMF कितना बन जाएगा। ठीक है साहब, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक कॉयल इज, ये देखिए, ये एक कॉयल क्यू इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज बल्ब भी। ये जो एक दो कॉयल लगे हुए हैं ना, एक में बल्ब लगा हुआ है और दूसरे में ये AC सोर्स है। अभी पूछ रहा है कि बल्ब जलता है पहले, और फिर उसके बाद जब हम क्यू डायरेक्शन में इसको इस तरफ मूव करा देते हैं तो ये डिम हो जाता है। दोनों के रीज़न आपको एक्सप्लेन करने हैं, आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कुछ भी दम नहीं है। बल्ब जलेगा क्यों, आप जानते हैं, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, थोड़ी मेहनत कीजिए आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डेराइव सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसके बाद डेरिवेशन आता है, सेल्फ डिफाइन करिए सेल्फ इंडक्टेंस को, इसकी SI यूनिट लिख दीजिए, ये बड़ा सिंपली आप लिख देंगे, और उसका एक्सप्रेशन, यानी इसकी जो प्रूविंग है अपनी सेल्फ इंडक्टेंस की, उसकी प्रूफ करने के लिए डिटेल दी गई है, उसको भी आप प्रूफ कर दीजिए। इसी तरीके से आप देखिए ना, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की पार्ट आता है उसको भी आप डिफाइन कर दीजिए SI यूनिट, और उसका भी प्रूविंग है साथ में। ये दोनों सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस तैयार कीजिएगा। कभी कभी बड़े सीधे साधे न्यूमेरिकल
एकदम फार्मूला बेस्ड आ जाते हैं और बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। उसके बाद लिखा हुआ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कोफिशियंट ऑफ कपलिंग किसे कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे बोलते हैं, ये भी आप तैयार कर लीजिए एग्जाम्पल्स उसके लिए देने के लिए। फिर व्हाट आर द एडी करेंट्स, ये एडी करेंट्स क्या होती हैं, राइट देयर टू एप्लीकेशंस। एडी करेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये बड़ा पेट क्वेश्चन रहता है। और एडी करेंट्स क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, कई एप्लीकेशंस में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस वगैरह आती है, आप जानते ही हैं। बाकी एनसीईआरटी कंसल्ट कीजिए, मज़ा आएगा आपको। और प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर भी पढ़ लीजिएगा, वर्किंग नहीं पढ़नी है, वर्किंग को नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रिंसिपल आप तैयार कर लीजिएगा, प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है, ये कोर्स में है। तो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने 5-7 न्यूमेरिकल में देता हूँ ना, ये न्यूमेरिकल्स करने से क्या होता है ना, इसमें एक तो डेरिवेशन ही है रॉड वाला जो ऊपर लिखा हुआ, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये 6.1 6.3 बीच बीच के जो मैंने चूज करके दिए हैं, अगर ये न्यूमेरिकल्स आप लगा लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए बोर्ड के लिए बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन होती है। क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पूरी तौर पे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, या तो उसके लॉजिक को या उसके रीजन को या उसी तरह के क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगी। मैं फिर से एक बार आपसे बोलूँगा कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको आप लगाइएगा जरूर, क्वेश्चन लेने के लिए मत दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करिए पसंद आए वीडियो तो, और शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।